ये कौन सा फूल है भैया? एक तरह के गुलाब है यहाँ पर। कितने रुपए का है गुलाब का पेड़? बाकी अमन भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए, मेरे से भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, जॉब भी करते हैं, प्लस यूट्यूब भी संभाल रहे हैं। तो अमन भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। फ्लावर्स को देखते देखते लगभग शाम हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग कंट्री का सिक्का मिल रहा है, देख सकते हैं पूरा सिक्का, और मैं इंडिया का सिक्का लिया हूँ। ये 10 रुपए का है मात्र। 10 रुपए में कौन कौन सा सिक्का है? ये 1 पैसे का सिक्का है। पर अलग अलग पौधे के बीज बिक रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लावर शो में हमारे छोटे से सब्सक्राइबर भाई मिले हैं। क्या नाम है? ये है सामने प्रगति मीनार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सफर छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ भिलाई के मैत्री बाग जू में, जहाँ पर फ्लावर शो लगा हुआ है, जहाँ पर आपको कई प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं भिलाई, और ये भिलाई का मुर्गा चौक है। यहां पर ये जवाहरलाल नेहरू पथ लिखा हुआ है, ये वाला रास्ता जाता है भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए। तो अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं भिलाई के मैत्री गार्डन में। भिलाई के मैत्री गार्डन में लगाया गया है फ्लावर शो। आज 13 तारीख है संडे, और संडे के दिन फ्लावर शो लगाया गया है, जिसमें आपको कई वैरायटी के आपको फूल देखने को मिलेंगे, एक से एक फूल। और ये हमारे कोनल भाई ब्लॉगिंग करते हुए, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब गर्मी का दिन लगातार आते जा रहा है। मैं अपने घर से निकला था 11:30 बजे के आसपास, मैं धीरे धीरे आराम से आ रहा था, बीच में सब्सक्राइबर लोग मिल गए थे तो उनसे मिलने के लिए रुक गया था, तो और टाइम हो गया। अभी टाइमिंग की बात करूँ तो लगभग 1 बज रहे हैं। यहाँ से राइट लेना है अपने को, ये चौक से उधर देखिएगा, इस भिलाई इस्पात संयंत्र है, वहाँ से राइट जाना है। तो अब आ चुके हैं पार्किंग एरिया में, यहाँ अपना गाड़ी पार्क करते हैं। पर अपना गाड़ी पार्किंग कर दिया हूँ, इधर आप देखेंगे तो लगातार गाड़ियाँ आती जा रही है पार्किंग होने के लिए। इस वाले एरिया में पूरा गाड़ी पार्क हुआ है, और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। चलते हैं सीधा फ्लावर शो की तरफ, और मेरे साथ है भिलाई के यूट्यूबर कोनल भाई। छोटे मोटे यूट्यूबर कुणाल तिवारी? नहीं यार, छोटे मोटे नहीं, इतना भाई है सब। तो अभी फिलहाल अपन अंदर चल रहे हैं, फ्लावर शो पहली बार देखने आया हूँ मैं भी, और मैं सोचा अमन भाई को भी एक बार इन्वाइट कर लेते हैं अपने शहर में, कि किस तरीके से यहाँ फ्लावर शो हो रहा है, देख लेते हैं, भाई भी अपना देख लेंगे और हम भी अपना देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको आज पूरा फ्लावर शो दिखाने वाले हैं, और फ्लावर शो में कई कैटेगरी के फूल आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एक बाहर में मेला जैसा माहौल होता है वो भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो में आप बने रहिए। तो अब आ चुके हैं भिलाई मैत्री गार्डन के एंट्री गेट के पास, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा सा एंट्री गेट है, और काफ़ी सारे लोग फ्लावर शो देखने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग मैत्री बाग जू भी घूमने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर फ्लावर शो का बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, 13 मार्च 2022 मैत्री बाग भिलाई, वहाँ पर टिकट काउंटर है, उधर टिकट लेना है। तो चलिए टिकट ले लेते हैं, और देखिए लगातार लोग आते जा रहे हैं घूमने के लिए और फ्लावर शो देखने के लिए, तो यहाँ से टिकट ख़रीदना है। तारीख सीएम चिड़ियाघर फिर से खुल गया है, 20 रुपये टिकट है। तो टिकट वगैरह ले लिए हैं, अब अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं फ्लावर शो। यहाँ पर आपको टिकट दिखाना होता है, टिकट दिखाना होता है। अंदर आ चुके हैं गाइस, इधर ये गेट देखिए, वहाँ पर राइट साइड में पूरा गार्डन एरिया है, देख सकते हैं गाइस लोगों का भीड़, आप पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आज यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। अगर आप इधर से जाएंगे तो मैत्री बाग जू पहुँचेंगे, इधर पूरा गार्डन वाला एरिया है, और इधर लगा है फ्लावर शो। तो चलिए इधर चलते हैं, जैसे कि ये सामने आप देख ही सकते हैं वाटिका नर्सरी, और उसमें चल कर देखते हैं कि कौन कौन से फ्लावर इस बार लगे हुए हैं। अलग अलग तरह के पौधे रखे हुए हैं, जैसे ये गुलचा का है 300 रुपये का, और ये वाला पौधा देखिए 300 रुपये में,
सब में रेट लिखा हुआ सर, है पर ना सर 200 रुपए का है। कौन सा? ये वाला, ये कैक्टस का है, देखिए रंग बिरंगे कैक्टस 225 रुपए का है। यहाँ पर अलग अलग पौधे के बीज बिक रहे हैं जो मात्र 10 रुपए से 5 रुपए का है। देखिए बरबट्टी का, गिलकी, सरसों भाजी, सफ़ेद बैंगन, भिंडी, हरा बैंगन, कितने कितने का है? अलग अलग पौधे का, कद्दू का है, ये ककड़ी का बीज है 10 रुपए का, ये लौकी का है, खीरा का है, टमाटर, ये भी टमाटर का है, और ये स्वीट कॉर्न का, भिंडी, लाल भिंडी का 50 रुपए का है, और ये लौकी का है, गोल लौकी का है, करेला का बीज है, मूली का है, बहुत सारा अलग अलग पौधे का बीज है, पालक भाजी का बीज भी। और इधर जो गार्डन में काम आता है वो सब एसेसरीज है। तो मैं देखिए गाइस अलग अलग तरह के फूल हैं, जैसे कि देखिए ये वाला फूल, देखिए मेरा फूल, देखिए सुंदर सुंदर गुलाब वाला एरिया है, जिसमें ये वाला गुलाब का पेड़ है 40 रुपए का। और इधर देखिए ये इसका जो पेड़ है ये 60 रुपए का है। तो वाले एरिया में लगा है फ्लावर्स हो, और इधर पूरा मार्केट लगा हुआ है, कपड़ा वपड़ा, चश्मा का दुकान है, और इधर अगरबत्ती स्टैंड और अगरबत्ती बिक रहा है 50 ग्राम तेल में 12 घंटे चलने वाली दिया। परसों में दोस्तों और भी कई तरह के दुकानें लगी हुई है यहाँ पर, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक करके सभी दुकान। और जैसे कि यहाँ पर लगा है बस्तर का स्पेशल झाड़ू, तो देखते हैं, जो कि 70 रुपये, 60 रुपये और 50 रुपये से स्टार्ट है। ये देखिए बस्तर का स्पेशल झाड़ू है, 50 रुपये, 60 रुपये और 70 रुपये। ये है 70 रुपये की, 60 रुपये की, 50 रुपये। अच्छा, तो यहाँ पर अलग अलग कंट्री का सिक्का मिल रहा है, तो देख सकते हैं पूरा सिक्का सिक्का, और मैं इंडिया का सिक्का लिया हूँ, ये 10 रुपए का है मात्र। 10 रुपए में कौन कौन सा सिक्का है? ये 1 पैसे का सिक्का है, 2 पैसे का सिक्का और 3 पैसे का सिक्का है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अलग अलग कंट्री के सिक्का है, जैसे कि कोलंबिया का सिक्का देखिए 18 रुपये में मिल रहा है, फ्रांस का सिक्का है, जापान का सिक्का है, कनाडा का सिक्का है, और ऑस्ट्रेलिया का सिक्का है, 10 रुपए है ऑस्ट्रेलिया का, वेनेजुएला का है, यूएसए का है, तो भी खरीद लेता हूँ। मैं गोप्रो देखी तो मैं बोली कौन है, अच्छा साइड से लगा अमन जैसा लग रहा है। यहाँ पर हमारे साथ भिलाई और दुर्ग के यूट्यूबर भाई लोग मिले हैं, ये हैं ललित भैया, भिलाई के यूट्यूबर, जवान भिलाई से हूँ, और मेरा तो चैनल है जवान के नाम से, आप विजिट करिएगा। अर्चित ब्लॉसम, हेलो हेलो, मेरा नाम अर्चना परिया है और मेरे चैनल का नाम है अर्चित ब्लॉसम। तो यूट्यूबर लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कुणाल भाई से तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चलिए अभी और घूमते हैं, और भी कुछ कुछ यूट्यूबर आए हैं उनसे भी मिलाऊंगा आप लोग। यदि भाई तो अमन भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ, सबसे आगे बढ़ाओ भाई। थैंक यू। भिलाई के और भी एक यूट्यूबर भाई मिल चुके हैं, ब्लॉग्स राहुल, परिचय के महत्वपूर्ण तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो भाई हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अमन भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए, मेरे से भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, जॉब भी करते हैं, प्लस यूट्यूब भी संभाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है गाइस। मैं तो फिलहाल यूट्यूब पर फोकस कर रहा हूँ, तो तब जाके मैनेज हो पा रहा है भाई, दो दो चीज़ कर रहे हैं। भाई का यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और पहले का जो वीडियो देखता हूँ ना, जब भी मैं YouTube में डीमोटिवेट हो जाता हूँ तो भाई का पुराना वीडियो देख लेता हूँ, इससे मोटिवेट मिल जाता है मुझे। बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, यहाँ पर गर्ल्स के लिए टॉप वगैरह लगे हुए हैं, इसके अलावा इधर और भी शॉप लगे हुए हैं, पर कंगन वगैरह बिक रहे हैं गर्ल्स के लिए पूरा, और इधर है खाने पीने का है पूरा, आमरस वगैरह, बेल का क्या है भैया? कैंडी, आंवले का, चटपटा, मीठा, बेल का कैंडी। कितने का है ये? 80 का है, 160 और 50 का, तो इधर जितने भी है। गायत्री मंदिर में हमारी शॉप है, आम बर्फी, हर्बल प्रोडक्ट का हमारा काम है, आंवला कैंडी, टेस्ट करके देखो मीठा आंवले का।
आंवले का ही है सारे हर्बल प्रोडक्ट तो ये आंवले का है मैं टेस्ट करके देखता हूँ भैया बता रहे हैं ये यहाँ पर लगा है बाकी सब तो गायत्री मंदिर में आपको मिल जाएगी इसमें रहते हो मस्त या फिर बिहार में कहीं भी रहते हो तो है में इसका पैकेट आप लेके देखिए इसका पैकेट 160 मिल जाएगा आपको 80 वाला मिल जाएगा और अगर ऐसे छोटा में तो 50 का दो इस फ्लावर को देखते देखते लगभग शाम हो चुका है और शाम होने के बाद ये जो फाउंटेन है ये चालू हो गया देख सकते हैं बीच में मछली बना हुआ है मछली के मुंह से यहाँ पर पानी निकल रहा है और इधर बीच में देखिए ये वाला फाउंटेन अभी मैं आपको उधर प्रगति मीनार की तरफ लेकर चलता हूँ तो चलिए प्रगति मीनार चलते हैं और वहाँ से आपको मैत्री बाग का भी नज़ारा दिखाऊंगा और साथ ही साथ प्रगति मीनार भी दिखाऊंगा तो वीडियो में बने रहिए आप यह सामने प्रगति मीनार और प्रगति मीनार के बाहर आप पार्किंग वगैरह कर सकते हैं चलिए अरे यार ये तो बंद कर दिया गया है यार प्रगति मीनार को अभी तो फिलहाल ताला लगा दिया गया है क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ है फ्लावर शो है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है तो बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं तो ऊपर चढ़कर मस्ती करेंगे सेल्फी लेंगे इससे क्या है हादसा होने का डर है इसलिए बंद कर दिया है आज आर्टिफिशियल फ्लावर भी रखा गया है देख सकते हैं पूरा आर्टिफिशियल है बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लग रहा है वो 150 वाली है बाकी इधर 250 वाली है वो पूरा 250 वाला है 250 वाली है सर यहाँ पर देखिए पेंटिंग रखा गया है काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग है डिजाइन वाला मिरर भी रखा गया है गाइस तो चलिए देखते हैं कितने का भैया 800 का है अच्छा तो गाइस देख सकते तो फ्लावर शो में गाइस फोटो प्रदर्शनी भी लगाया गया है इसमें अलग अलग जिला है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले का फ़ोटो लिया गया है देख सकते हैं आप झरना ढोलकल गणेश बर्ड फोटोग्राफी भी है और ये देखिए मेन पार्ट का है घाघी झरना ये भिलाई स्टील प्लांट ये ओना कोना मंदिर पूरा बहुत सारा है पूरा फोटो एक से एक फ़ोटो है अब आप लोगों को इधर का फ्लावर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं और भी बहुत सारा फ्लावर है अलग अलग तरह के फूल के पेड़ आपको मिल रहे हैं तो पुराना पता होगा ये देखिए गाइस गुलाब का वैरायटी ये कितने का दिया ये वाला पेड़ 10 रुपये का कौन सा पेड़ है ये डहलिया इसमें अलग अलग कलर के गुलाब है यहाँ पर कितने रुपए का है गुलाब का पेड़ 35 रुपये का ये कौन सा फूल है भैया 20 का 4 है अच्छा 20 का 4 है वो है ये वाला डहलिया बोलते हैं ना इसको डहलिया सेवंती अच्छा उधर है इधर देखिए अलग अलग तरह के गुलाब हैं यहाँ पर रेड रोज पिंक रोज वाइट रोज मिल गया तो गाइज़ आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जोहार जय हिंद जय छत्तीसगढ़।